आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वोकल ऑफ आमिर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो काफ़ी मुफीद वीडियो है। जो पहली वीडियो अपलोड हो चुकी हैं वो भी उम्मीद है कि आपने देखी होंगी और वो आपको पसंद आई होंगी। तो आज की जो वीडियो है वो फर्नीचर की पॉलिश के बारे में है कि हम घर में बआसानी किस तरह फर्नीचर को पॉलिश कर सकते हैं, क्योंकि फर्नीचर जो है वो वक़्त के साथ साथ गंदा होता रहता है। कुछ हमारे इस्तेमाल के से भी उसके पॉलिश जो है वो घिसती रहती है। तो ये एक बहुत ही आसान टिप है कि अगर आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि महीने में एक दफ़ा या दो महीने बाद अगर आप ये पॉलिश बना के अपने फर्नीचर पर लगाते हैं तो आपका फर्नीचर ज़्यादा देर तक जो है वो चमकता रहेगा और उसकी जो ओरिजिनल पॉलिश है वो भी ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों इसके लिए हमें जो चाहिए वो ब्राउन शू पॉलिश जो होती है, जो जूते पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल होती है, ब्राउन कलर की वो चाहिए। और उसमें हमने थोड़ा सा जो है ना हमने गर्म पानी डालना है। इस तरह एक वो आपको बाज़ार से मिल जाती है, उसको सुलेश कहते हैं, लकड़ी को लगाने वाली सुलेश होती है, वो बआसानी बाज़ार से मिल जाती है, वो आपने लेनी है। तो आपने ऐसे करना है कि एक चम्मच जो है वो दो कप पानी में एक चम्मच आपने ब्राउन शू पॉलिश डाल ली है और दो चम्मच आपने लकड़ी की जो सुलेश मिलती है जो दानों की सूरत में होती है, अगर आपको नहीं पता तो आप किसी फर्नीचर वाले से जाके पूछेंगे वो आपको बता देगा, बाज़ार से बस आसानी से मिल जाती है। तो लकड़ी वाली सुलेश जो है वो आपने उसमें दो चम्मच डाल देनी है और इस पानी को आपने बॉयल करना है। जब ये पानी एक कप रह जाए और ये सारा कुछ इसमें मिक्स हो जाए, पॉलिश और सुलेश उसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए, तो आपने उसको उतार लेना है और उसको ठंडा करके आपने किसी कपड़े की मदद से अपने फर्नीचर के ऊपर उसको लगाना है। अगर आप इसमें थोड़ी सी स्पिरिट डाल लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, उससे ज़्यादा शाइनिंग आ जाएगी। तो ये आपने अपने फर्नीचर पर अच्छी तरह लगाना है और कोशिश करनी है कि एक ही कोट आपके फर्नीचर पर हो, बार बार आपको रगड़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप देखेंगे कि आपका फर्नीचर चमक जाएगा और ये आपका जो ओरिजिनल पॉलिश होगी उसकी भी हिफाजत करेगा। तो उम्मीद है कि आप ये ट्राई करेंगे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके लिए ये टिप फ़ायदेमंद साबित हो तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।